वो देखिए बहुत ज़्यादा प्यार चढ़ रहा है, जब गई थी बनारस तब हमको फोन करने में टाइम ही नहीं था। और अब देखिए नाटक हे गाइज वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। गाइज मैं अभी जा रहा हूँ टर्मिनल टू मुंबई एयरपोर्ट, बिकॉज मीनाक्षी को पिकअप करना है। वो वाराणसी से वापस आ रही है और उसकी फ्लाइट जो लैंड करने वाली है वो टर्मिनल टू पे करने वाली है। सो गाइज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो भी हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, जो जो नए नए वीडियो देख रहे हैं हमारे, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोज टाइम टाइम मिलते रहे, आप एक वीडियो मिस ना करें। चलिए चलते हैं एयरपोर्ट, आपको दिखाते हैं अराइवल का पूरा व्यू। आप लोग बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। ये थोड़ा आराम चलाओ, ज्यादा तेज चलाने की जरूरत नहीं है। बस गाइस देखिए टर्मिनल टू मुंबई एयरपोर्ट का रिक्शा स्टैंड है। हम लोग आज रिक्शा से आए हैं तो आपको रिक्शा स्टैंड का भी पूरा व्यू दिखा रहे हैं। गाइस फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और साथ में देखिए कौन है, अंकल जी साथ में है, ये भी आए हुए मीनाक्षी को पिकअप करने के लिए। और मीनाक्षी की फ्लाइट लैंड भी कर चुकी है और हम लोग भी एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। उसको लगेज लेने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो अच्छा हुआ कि हम लोग भी टाइम पे पहुंचे हैं, ज़्यादा पहले भी नहीं पहुंचे हैं, बाद में भी नहीं पहुंचे हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं अराइवल का पूरा व्यू। हाँ ये गाड़ी क्या, ये सब पार्किंग एरिया है, मैं देखिए ना पूरा पार्किंग एरिया है, सब है प्राइवेट पार्किंग है ये सब। गाइस फाइनली हम लोग अराइवल में आ चुके हैं और ये देखिए एयरपोर्ट का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पूरा आपको दिखाता हूँ चारों तरफ से। देखिए ये अराइवल, हम लोग आ चुके हैं और अभी मीनाक्षी आने वाली है तो देखते हैं वो कब तक आती है। चलिए उधर चलते हैं, क्या करना है। गाइस देखिए टर्मिनल टू एयरपोर्ट का अराइवल एरिया है, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए गाइस अराइवल एरिया का व्यू मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ये देखिए गाइस अराइवल एरिया में कितना सुंदर, देखिए पानी बह रहे हैं, देखिए और रंग बिरंगी वाटर्स हैं। देखिए ये भी अराइवल एरिया में ही है तो मैं सोचा आपको ये भी दिखा देता हूँ, कितना खूबसूरत नज़ारा है गाइस। देखिए जैसे देख के लग रहा कोई फाइव स्टार होटल में, ऐसे पानी वगैरह फुहारे बाहर आ रहे हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है गाइस, तो मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए क्या शानदार लग रहा है गाइस, देखिए कितने कलरफुल वाटर्स देखिए आ रहे हैं, लाइट्स देखिए गाइस, और सारे पानी देखिए नीचे आ रहे हैं। ये है, यहाँ से सारे पानी फिट फ्लो के बाहर की तरफ निकलेंगे। देखिए कितना खूबसूरत एयरपोर्ट है गाइस, अराइवल एरिया पूरा आप देख लीजिए अच्छे से, मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ गाइस। देखिए क्या खूबसूरत एयरपोर्ट है, देखिए टर्मिनल टू मुंबई एयरपोर्ट, इसलिए ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अभी देखिए हम लोग फ्लाइट का जो स्क्रीन बोर्ड है वहाँ पर आ चुके हैं और जो मीनाक्षी का फ्लाइट है वो लैंड कर चुका है। जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं उसका विस्तारा फ्लाइट है, तो उसकी फ्लाइट लैंड कर चुकी है। और गाइस देखिए अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और ये गेट नंबर सी है, उधर पर हम लोग खड़े हैं और देख रहे हैं मीनाक्षी कब आने वाली है। बिकॉज अभी सब लोग धीरे धीरे एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं तो आई होप मीनाक्षी भी अब बाहर निकलेगी। ये देखिए मीनाक्षी हमें दिख गई, वो अपना ट्रॉली लेके आ रही है बाहर की तरफ। देखिए और भी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं बाहर, तो फाइनली मीनाक्षी हमें मिल गई और ज़्यादा वेट हमें नहीं करना पड़ा। आई थिंक 10-15 मिनट वेट करना पड़ा क्योंकि हम लोग भी टाइम से ही थे और उसकी फ़्लाइट भी टाइम से थी। आइए आइए वेलकम टू मुंबई। और कैसा रहा तुम्हारा सफ़र? बहुत अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा इंजॉय कर रही थी कि हमें भूल गई थी वहाँ जाके। अरे क्या होता है गाड़ी से, दीदी बुआ सब जितने सब लोग, सारे लोग जिन्होंने कभी मेरे को देखा नहीं था कितने सालों तक, मतलब पागल हो गए थे मेरे को देख कर। इतना एक्साइटमेंट था कि वो जाने नहीं दे रहे थे, मैंने जबरदस्ती टिकट कराया कि मेरा शूटिंग है। जाने नहीं देते क्या मतलब, बनारस में रहने का इरादा था क्या? अरे ओ भाई मतलब कि मतलब थोड़ा सा और रुकिए, इतने कम दिन के लिए आए हैं थोड़ा सा और रुकिए। हम बोले भाई इनको लगता है कि बॉम्बे आना नहीं है, अब उधर ही रहना है। बॉम्बे तो मेरा सब मेन है, पता नहीं हमको लगा शायद आना नहीं है, उधर ही रहना है।
चलिए गाइस चलते हैं, अभी कैब लेते हैं फिर और बात करते हैं। गाइस हम लोग पार्किंग एरिया में आ चुके हैं, ये देखिए वेटिंग लाउंज है, लोग यहाँ पर वेट करते हैं अपने कैब का, अगर उनका कैब आने में टाइम लगता है तो। गाइस देखिए ये है ओला जोन, आप देख पा रहे होंगे। गाइस फाइनली हम लोग खड़े हैं ओला स्टैंड पे और अपने ओला कैब का वेट कर रहे हैं। ओला कैब तो आता पता नहीं है, देखिए ओला स्टैंड में कितने सारे लोग खड़े हैं, आपको दिखा रहे हैं। बाकी लोग भी कैब आ रही है, हमारी कैब अभी तक आई नहीं है तो वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक कैब आती है। इनको देखिए बहुत ज़्यादा प्यार चढ़ रहा है, जब कहीं भी बना रहे तब हमको फोन करने में टाइम ही नहीं था। नो 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 आई एम टेलिंग यू, देखिए नाटक नाटक और क्या यही है। गाइस देखिए हमारी कैब आ चुकी है और हम लोग अब कैब में बैठ रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग कैब में बैठ चुके हैं और देखिए ये पार्किंग एरिया है जो P4 है, ओला और उबर का पार्किंग एरिया है, यहाँ पर सारे गाड़ी पार्क होते हैं। और अब हम लोग पार्किंग एरिया से बाहर निकल रहे हैं। गाइस बहुत ही बड़ा पार्किंग एरिया है मुंबई एयरपोर्ट का, आपको पूरा व्यू दिखाते चल रहा हूँ। देखिए पार्किंग एरिया का ये कितने सारे गाड़ियाँ खड़े हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पार्किंग एरिया से बाहर आ चुके हैं और अभी मेन रोड पे आ चुके हैं, तो चलिए चलते हैं अब अपने घर, बिकॉज ट्रैफिक तो अभी दिख नहीं रहा है, लेट्स सी। तो गाइस फाइनली हम लोग अपने बिल्डिंग में आ चुके हैं, ये देखिए ओला वाले भैया तो सूटकेस वगैरह बाहर निकाल रहे हैं और अब हम अपने लिफ्ट के पास पहुँच चुके हैं। देखिए हे गाइस फाइनली बैक होम और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। गाइस मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बॉम्बे का ट्रैफिक जैसे आपको पता ही है शाम के टाइम में इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और हम लोग वहाँ से निकले थे 8 बजे और अभी बजने वाला है 10 बजने वाला है देखिए, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए गाइस। तो अब मैं जा रहा हूँ डिनर करने के लिए, तो मैं अभी ब्लॉग को ही ख़त्म करता हूँ। आप बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हुआ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।